नमस्कार दोस्तों, हेल्थ एंड किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मेथी की सब्जी। यहाँ पे मैंने फ्रेश मेथी ली थी, इसको मैंने ऐसे साफ करके लिया है और सारी की सारी मेथी मैंने नहीं यूज़ की है। तो यहाँ पे वही मेथी को मैंने बारीक चॉप करके लिया है, आप देख सकते हैं। प्याज है, प्याज को भी मैंने बारीक काट लिया है। आपको इसका रंग हरा लग रहा है क्योंकि जिस चॉपर में मैंने मेथी को चॉप किया है उसी में मैंने प्याज को चॉप किया था, इसके लिए इसका कलर हरा है। ये नमक, ये 8 से 10 लहसुन की कलियां हैं, इनको मैंने दरदरा कूट लिया है। और हरी मिर्च है, 2 हरी मिर्च है, इनको मैंने ऐसे लंबे लंबे काट लिए हैं। और तेल, तो अब हम सब्जी बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने पैन को गैस पे चढ़ा दिया है और इसमें मैं तेल डाल रही हूँ। 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच के करीब करीब मैंने इसमें तेल डाल दिया है। तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। मैंने तेल को यहाँ पे गर्म करने के लिए रखा है। आप देख सकते हैं कि तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ये जो मैंने कूट के ली है लहसुन, ये मैं डाल रही हूँ। इसे अच्छे से एक बार चला लेना है। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। यहाँ पे मिर्ची डाल रही हूँ, मिर्ची को भी अच्छे से चला लेंगे। प्याज और अभी प्याज को हमें अच्छे से भूनना है, इसका जो कच्चापन है वो कम होने तक और इसका रंग बदलने तक हमें इसको अच्छे से इसमें भून के ले लेना है। प्याज को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है और अब मैं नमक डाल रही हूँ यहाँ पे, ताकि नमक डालने के बाद थोड़ा प्याज जल्दी भी भून जाएगा और नमक पूरी सब्जी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। नमक डालने के बाद मैंने वापस एक बार इसको अच्छे से चला लिया है, आप देख सकते हो। और लहसुन भी हमारी, आपको अगर दिख रहा होगा तो लहसुन भी हमारी, ये देखो अच्छे से फ्राई हो गई है। आप इस तरीके से ये मेथी की जो सब्जी है ये बना के देखिए, ये बहुत अच्छी लगती है। आपको चाहिए तो आप यहाँ पे जो हमारी अरहर की दाल होती है उसे भी आप भिगा के तड़के में यहाँ पे आप उसको भी डाल सकते हो। वो एक तरीका भी है इस सब्जी को बनाने का। जो तड़का हमने किया है वो तो सेम ही रहने वाला है, सिर्फ उसमें ऊपर से जब हम मेथी की सब्जी डालेंगे वहाँ पे हम अरहर की दाल और फिर उसके बाद मेथी की सब्जी ऐसे डाल के दोनों एक साथ पकाना है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा प्याज भी यहाँ पे अच्छे से भून गया है। अब ये जो मेथी की सब्जी है इसको मैंने काट के लिया है, ये मैं डाल रही हूँ और अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये जो ज़्यादातर जो भी हरी सब्जियां होती है, पत्ते वाली जो भी सब्जियां होती है, उनको अंदर ही पानी होता है उनके अंदर। तो जब हम उन सब्जियों को ऐसे ही पका लेते हैं तो उनको पानी छूट जाता है, इसके लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती। और इसे ऐसे ही हम चलाते चलाते ही पकाएंगे, इसको बिल्कुल भी ढक के नहीं रखना है। क्योंकि अगर इस सब्जी को आप ढक के रखोगे तो जैसे मैंने बोला कि जो हरी पत्तियों वाली सब्जी होती है इनको पकाने के टाइम कभी भी ढकना नहीं है, क्योंकि इसमें पानी रहता है तो वो पानी और ज़्यादा छूट जाता है और सब्जी का जो टेस्ट है वो निकल जाता है। तो इसे हमें ऐसे खुले में ही पकाना है। तो अब मैं इसे अच्छे से पका लेती हूँ। मैंने यहाँ पे इसको चला तो लिया है, अब 1 से 2 मिनट के लिए इसे पका लेती हूँ। मेथी जो है, मेथी का और एक टाइप भी आता है और एक प्रकार भी आता है जिसे समुद्र मेथी कहते हैं। उसकी भी सब्जी आप ऐसे ही बना सकते हो, उसे धोना बहुत पड़ता है क्योंकि उसके अंदर बालू रहती है, तो बालू निकलने तक उसे अच्छे से धो के फिर आप उसकी भी सब्जी ऐसे बना सकते हो। ज़्यादातर बच्चे लोग मेथी की सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं, मेथी बोलेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो आप ऐसी सब्जी बना के उसको रोटी में डाल के आप उसका पराठा भी उनको बना के दे सकते हो। और मेथी में बहुत सारी अच्छी प्रोटीन्स है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स है। देख सकते हैं कि ये जो सब्जी है ये रेडी हो चुकी है। अब मैं गैस को बंद कर ले रही हूँ और इसे मैं निकाल देती हूँ। तो दोस्तों, ये हमारी मेथी की सब्जी रेडी हो चुकी है।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और जैसे मैंने कहा है, आप इसी तरीके से इस सब्जी को बना के देखिए एक बार, ये बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू।